हेलो बॉस, कैसे हो आप लोग? सब कुछ बढ़िया? तो आज का ट्यूटोरियल इस तरह से होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे को कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो कुछ फोटो आज का इस तरह का होने वाला है, तो इस फोटो को अपने पिक्सआर्ट में सेंड करके इसका बैकग्राउंड को इरेज कर लेते हैं। ये हमारा पिक्सआर्ट में आ चुका है और इस पर कलर का यूज करके अपने अपने बॉडी पे कुछ यहाँ पे बाउंड्री बना लेंगे कुछ इस तरह से बाउंड्री बना लेते हैं और फिर इसको इरेज कर लेंगे। समथिंग हो चुका है और फिर यहाँ पे थोड़ा सा पैर के पास रह गया, थोड़ा सा इसे मैनेज कर लेते हैं, इसे जल्दी से इसे मैनेज कर लेते हैं। अब समथिंग ये हो चुका है हमारा, तो इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ड्रॉ वाले ऑप्शन में आकर इसे अपने फाइल में सेव कर लेंगे। ये अब सेव हो गया है और फिर से अब दूसरा फोटो ले लेंगे, जो अपना जो फोटो होगा ना वो वाला ले लेंगे दूसरा फोटो। तो इस वाले फोटो को अपने पिक्सआर्ट में सेंड करके इसे भी अपने कलर का यूज करके अपने यहाँ पे अपने चेहरे को यहाँ से इरेज कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे हमारा हेयर रह गया है, तो इसे भी थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। कुछ इस तरह से है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसे थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं अच्छे से और इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसे ड्रॉ वाले ऑप्शन में आकर इसे सेव कर लेंगे। ये हमारा सेव हो गया है और इस पर अब जल्दी से अपने बैकग्राउंड को ले लेंगे और बैकग्राउंड को लेने के बाद जल्दी से इस पर अपना ये हमारा बैकग्राउंड है और इसे जल्दी से पिक्सआर्ट में सेंड कर लेते हैं। ये हमारा पिक्सआर्ट में आ चुका है और इस बैकग्राउंड को इफेक्ट वाले ऑप्शन में आकर थोड़ा सा इसे ब्लर कर लेंगे, थोड़ा सा इसे ब्लर करेंगे। इस सात पर मैं रखा हूँ और फिर इरेजर वाले टूल्स का यूज़ करके थोड़ा सा नीचे से सब कुछ को इरेज कर लेंगे और बाकी ऊपर को रहने देंगे, जो टेक्स्ट है ऊपर उसे रहने देंगे, बाकी को सबको इरेज कर लेते हैं अच्छे तरीके से इरेज कर लेंगे। ये हो चुका है और इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इस पर अपना फ़ोटो को ऐड कर लेंगे, इस वाले फ़ोटो को यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, जहाँ पे अच्छा लगेगा वहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे कुछ अच्छा लग रहा है और तो ऐड कर लेते हैं और फिर ये इरेजर वाला टूल्स में आकर इसकी थोड़ा सा इसे मिलाकर हार्डनेस और साइज को और थोड़ा सा ये जो हमारे बॉडी पे जो इधर वाइट लग रहे हैं ना, इसे थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करेंगे। इसे अच्छे से थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। ऊपर में थोड़ा सा और फिर ये फोटो हमारा सेव हो चुका है और फिर से अपने इस वाले हेड को अपने आप अपने सर को यहाँ पे लाकर इसे मैं इन्वर्ट कर लिया हूँ, आपको जैसे अच्छा लगेगा वैसे कर लेना। और फिर से फोटो को जूम करके यहाँ पे मैनेज कर लूँगा इसे थोड़ा सा इसे रोटेट कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे और देखूँगा कहाँ पे ये मेरा अच्छा लग रहा है वहाँ पे इसको मैनेज करके सेव कर लूँगा। ऑपोसिटी को कम कर लेता हूँ थोड़ा सा देखने के लिए कहाँ पे अच्छा लगेगा। यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ऑपोसिटी को बढ़ाकर थोड़ा सा इस सबको यहाँ पे इरेज कर लूँगा। इसे यहाँ पे इरेज कर लूँगा अच्छे से। अच्छे से थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं अपने पार्टिकल को।
ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया हूँ और मेरा फ़ोटो अब सेव हो चुका है, एकदम सेट हो चुका है। और फिर इसे अब इस पर एक और टूल्स का यूज करेंगे और इस पर अपना ये वाला फायर PNG का यूज करेंगे और इसे जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद इसे ब्लेंड वाले ऑप्शन में आकर यहाँ पे स्क्रीन डार्कन ढेर सारा ऑप्शन है, ओवरले लाइटें, आपको जो अच्छा लगेगा आपको लेना। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं लाइटन कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लूँगा अपने फ़ोटो पे थोड़ा सा जूम करके। जूम करके एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर इरेजर वाले टूल्स में आकर अपने फेस से ही सब इसके पार्टिकल को इरेज कर दूँगा। इरेज कर दिया हूँ और फिर इसे सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद ऐड फोटो में आकर फिर से ये वाला को इस वाले को ऐड कर लिया हूँ। ऐड करने के बाद इसे जूम करके थोड़ा सा अपने बॉडी के नीचे यहाँ पे कर लूँगा और इरेजर वाला टूल्स करके यहाँ पे अपने चेहरे से इसका इफेक्ट को हटा लूँगा और इसे सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद नेट वाले फ़ोटो में आकर ये स्पाइडरमैन का और ये मार्वल का दोनों का इसे मैं चूज कर लिया हूँ और यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। जहाँ पे अच्छा लगेगा ना मैं तो वहाँ पे इसे एडजस्ट कर लूँगा। जूम करके यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, कहाँ पे अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो इसे थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ की ओर और यहाँ पे भी थोड़ा सा कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा इसे ऊपर से और इसे यहाँ पे। ये हो चुका है और फिर ये मार्बल वाले को ना थोड़ा सा ऐसे इसे भी यहाँ पे जूम करके थोड़ा सा इसे छोटा कर दूँगा और छोटा थोड़ा सा और फिर यहाँ पे अपने पैर के पास इसे लगा दूँगा। इसे यहाँ पे लगा दिया हूँ और फिर इसे सेव कर लिया। सेव करने के बाद अभी इफेक्ट वाले ऑप्शन में आकर यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन है, इफेक्ट्स में आकर ढेर सारा ऑप्शन है, आपका फ़ोटो जिसमें अच्छा लगे ना उसमें आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अब यहाँ पे डॉगर कर लिया हूँ। डॉगर करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा डार्कन कर लिया हूँ और डार्कन करने के बाद यहाँ पे इसे सेव कर लिया अपने फ़ोटो को। तो कुछ अब फ़ोटो मेरा और ऑसम लग रहा है और कुछ रियल टाइप का लग रहा है। तो ये सारी PNG आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो या मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। और इस फोटो को अब सेव कर लेते हैं, ड्रॉ वाले ऑप्शन में आकर सेव करिएगा। यहाँ पे फोटो हमारा HD में सेव होता है और आपको किसी तरह का कोई सुझाव या शिकायत हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो कैसी लगी आपको ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक ज़बरदस्त ट्यूटोरियल के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।